आपको एक अद्भुत एक रहस्यमय व्यक्ति से आपको मिलवाता हूँ। राधे राधे। क्या मरने के बाद कोई वापस अपने शरीर में आ सकता है? इन्होंने जैसा हमें बताया, हमें पहले बातें सुनकर हमें आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना दर्शकों को बताया जाए कि स्वर्ग और नर्क कैसे होते हैं, स्वर्ग में क्या होता है, नर्क में क्या होता है। आज तक सुना है कि नर्क में यातनाएं मिलती हैं, सुना है स्वर्ग में ऐशो आराम होता है। जानते हैं महाराज की जुबानी। महाराज जी, पहले अपना नाम बताइए आप लोगों को। हमारा नाम है भूतनाथ औगड़पीर जी। जी, तो श्रीनाथ जी के बालक हैं जी। जी, नाथ संप्रदाय से हम हैं। सामने देख के बोलिए। जी, नाथ संप्रदाय से हैं, श्रीनाथ जी के बालक हैं जी। औगड़पीर जी हैं हम जी। जी, गुरु गोरखनाथ जी के भक्त हैं जी, खतरनाक प्रेमी जी, और जीव जगत के हम सेवा में लग रहे हैं जी। और भजन करते हैं, और किसी से लेना नहीं देना, कुछ नहीं, मगन रहना। मगन रहना जी। तो वो वाक्या क्या हुआ जिसमें आप जो है, आप जैसे बताया आपने कि मैं हर रात को अपने शरीर से निकल जाता हूँ, वो क्या है बताइए दर्शकों को। वो पता नहीं कहाँ हम चले जाते हैं, कभी कहाँ रात में, और फिर 4 बजते वापसी ही आ जाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि जब हम आ रहे थे जी 4 बजे, तो पता नहीं कहाँ गए थे, उत्तराखंड की साइड तो चले गए थे, आए थे तो 3:30-4 बजे जी। तो एकदम 4 लोग खड़े थे जी आसन के पास जी, और जैसे हम अपनी आत्मा में घुसना चाह रहे थे तो घुस नहीं पा रहे थे शरीर में। आप शरीर आत्मा घुस नहीं पा रहे। महाराज ये बता रहे हैं कि ये हर रोज अपने शरीर से निकलते हैं और यात्राएं करते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं, कभी कहीं, मतलब शरीर इनका रहता है लेकिन आत्मा जो है वो यात्रा पर चली जाती है। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, शरीर जो था बाहर था, आत्मा बाहर थी, शरीर यहीं पर था आश्रम में। तो जब वापस आए तो 4 लोग वहां पर खड़े हुए थे जी। फिर बताइए। तो वो कह रहे थे हम आपको लेने आए हैं जी। कैसे कि आप तो, आपका शरीर समाप्त हो गया, उम्र पूरी हो गई जी, चलो। मैंने कहा ऐसे कैसे चले जी। वो दिल में धक धक जी, गुरु महाराज का नाम, और फिर हर हर महादेव, हर हर महादेव, अपने गुरु महाराज का नाम सुमरना चालू। तो वो ले गए, नहीं माने, ले गए। तो कैसे दिखते थे, वो रूप कैसा था? विकराल, भयंकर, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े हथियार उनके पास, तलवारें थी, भाले थे, और बड़े बड़े काले काले विकराल रूप में रस्सा लेके डाल रहे थे। आपको रस्से से पकड़ा? रस्से से डाला उन्होंने आत्मा को, हमारी को जो थी वो सुर को रस्से में ढंझोड़ लिया। लेकिन कहते हैं कि आत्मा तो पारदर्शी होती है, आत्मा का तो कोई स्वरूप नहीं होता, आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता, तो आपके ऊपर रस्सा कैसे गिरा? उनकी रस्सा अलग होता है, वो अद्भुत है जी, ऊपर वाले का खेल अलग है जी। जी, तो उन्होंने ले गए, तो वो यमराज जी के पास ले गए, काले भैंसे पे, काले से मोटे से यमराज जी बैठे थे, विकराल रूप, और लंबी लाइन लगी पड़ी थी जी। ऐसा बोलते हैं कि जो यमराज है उनका जो रूप, जैसा आपने फिल्मों में देखा होगा, नाटकों में देखा होगा, अलग है, अद्भुत है उनका रूप। तो कैसा रूप था उनका, यमराज का? आपने आपने जैसा बताया, आपने देखा उन्हें, रूप कैसा था यमराज का? बिल्कुल अलग, सोने का सिंहासन पे बैठे थे वो। नहीं, अभी आपने बताया कि भैंसे पर बैठे थे। भैंसे पर तो बैठे थे, मगर वो बाद में सोने के सिंहासन पर बैठ गए। जब लाइन में जब हम गए थे तो जैसे सोने की किताब थी और जो चांदी की कलम से वो बया खाता देख रहे थे कि इनका तो अभी रोल आया ही नहीं जी। तो वो एकदम सिंहासन पे आ गए भैंसे पे से जी। तुरंत आके उन्होंने देखा तो वही, इनको तो अभी स्वर्ग में पहुंचाया जाए, इनके तो अलग कर्म है जी। ये तो घर त्याग गए और साधु बन गए, इनने तो भक्ति करी है, बहुत जीव जगत की सेवा करी है, पक्षियों से ज्यादा प्रेम करा है जी, जीवों को सताया नहीं जी, किसी के बुरे नहीं बने। तो उन्होंने मेरे को फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया। अच्छा, जब आप लाइन में लगे हुए थे तो आपने कुछ देखा, क्या दिख रहा था आपको वहाँ? अरे बाबा, हाथ जोड़ता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आदेश। क्या था, क्या आप बताइए? बड़े बड़े कढ़ाओ, किसी में हंटर पड़ रहे हैं, किसी की चमड़ी उधेड़ी जा रही है, किसी को गरम कढ़ाई में डाला जा रहा है। अच्छा, धर्मराज के तो, यमराज का एक भाई और है धर्मराज जी, वो माताओं को भी नहीं बगसता है जी। अच्छा, वो माताओं को भी नहीं बगसता? माताओं को भी नहीं बगसता है, माताओं को भी नहीं बगसता है वो जी। उसी के पास जो ये भैंसों को, वो बैलों को बुग्गी पे नहीं लगाते, इनका बया खाता धर्मराज लेता है जी।
अच्छा, उनको बुग्गी में लगा के आप बैठ के और यहाँ से हाथ काट के और नाक में वो डाल के रस्सा, और जब यहाँ से रस्सा डाल के वो खुद झूलता है और एक घुमाता है ब्रह्मांड में, इतनी बड़ी कंडीशन कर देता है वो जो ये सांड हमारे नंदी महाराज को जो बनाते हैं ना, इनकी देखी मैंने, देख के ऐप रह गया। ये जो उनको बैल बना के और उन पे जो ढोवाते हैं माल वाल, तो इनको इनके ऊपर बैठ के और बिगराल रूप में हंटर लेके चल चल मुर्दे चल मुर्दे। तो किसान भी बैलों का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, वो को तो खेती करते हैं जी, वो तो अपने उसके करते हैं, अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए। तो जो वैसे जो सड़कों पर उनसे सामान लदवाते हैं वो भी पेट के लिए करते? नहीं नहीं नहीं, उनमें तो बहुत अंतर है, वो तो हल्का करते हैं, खेत में तो कितना कोई वजन लगता है, और जब बुग्गी में भाल भर जाता है ऊपर तक लोड, तो उस पर कितना फर्क पड़ता है, कितना जोर पड़ता है, एक तो 5 किलो का, एक 500 किलो का, तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा जीप पर जी। 5 किलो का को तो लेके चल देगा आम इंसान, उसको कैसे लेके चलेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये फर्क है। यमराज से भी ज्यादा, धर्मराज जी से भी ज्यादा यमराज हैं जी। और यमराज जी से भी ज्यादा धर्मराज जी हैं। धर्मराज जी कपड़े उतरवा लेते हैं पूरे जी। अच्छा, और जैसा कर्म होता है इंसान का, जिस प्रकार से उसका खाता है उसी प्रकार के उसको भुगतान दिया जाता है। भुगतान का मतलब समझते हो आप? जैसे कि कोई कार्य कर लिया हमने आपका, तो हमारे को तो आपको देना पड़ेगा भुगतान। जैसे कुछ वस्तु ले ली तो उसका भुगतान दे देते हैं, तो वही हम ईश्वर को देते हैं, वैसा ही वो हमको दे देता है। ये दो भाई हैं सबसे खतरनाक, धर्मराज और यमराज, जो करते हैं बह खाता का हिसाब। और तीसरे हैं शनिदेव। इन तीनों की वहीं पे सिंहासन है, ये अपना कार्य से वहीं पे बैठे 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 उस हिसाब से देते रहते हैं, कहीं भी हो कैसा भी हो, तुरंत दान महाकल्याण इनका रोल है। तो आपने ये सारी चीजें देखी तो आपको भय, आपकी आत्मा को भी डर लगा होगा? बिल्कुल लगा था जी। मैंने कहा जो होगा वही जो राम रच रखा, जो राम जी ने रख रखा है वही होगा जी, और क्या होगा जी। फिर आगे? आगे कुछ नहीं, हम आ गए तो मस्त रह रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं, नो टेंशन। तो आपको वहां से कहां भेजा उन्होंने यमराज ने? हमको वहां से वहीं भेज दिया जहां पे थे हम, जंगलों में। आपने कहा कि स्वर्ग के लिए बोला था उन्होंने, स्वर्ग के लिए आपको भेजा था। स्वर्ग ही तो है ये हिंदुस्तान हमारा। अच्छा, अब राम मंदिर बन गया जी, ये स्वर्ग में नहीं बना तो और कहाँ बनाए? बिल्कुल, कितनी हजारों साल पुराने से कितनी समाधि लग गई थी वहाँ, पता है आपको? बिल्कुल, हमारे हिंदू राष्ट्र के पीछे हमारे कितने की बलि लगी गई है, मगर आपके अगर ऐसा मौका आया बिल्कुल तो काम तमाम है, पानी पानी आ जाएगा जी, कोई नहीं रह पाएगा। मैं को तो पहले ले जाएगा वो भंवर में, इतना पानी आ जाएगा। आपकी बार देखा था आपने पानी कितना था? कहाँ? वृंदावन में। वृंदावन में सारी जगह, पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में जी प्रलय आई थी। प्रलय आई थी, क्यों आई थी? क्योंकि राम मंदिर बनेगा, बन गया ना, बन गया तो राम राज आएगा, पहले दुनिया को हिलाएगा। वो राम राज आ रहा है, आ गया है, आ गया है, आ गया है। अब जो जैसा कर्म करेगा ना, उसको घर बैठे ही वैसा ही दिया जाएगा, चाहे वो साधु हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो जानवर हो जी। जी, जो लोग गलत काम करते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि परमात्मा उनको नहीं देख रहा, ऐसे लोगों के लिए क्या सोचते हैं? नहीं, परमात्मा के 1,00,000 आँख हैं, 1,00,000 आँख हैं। एक इंसान के पीछे जाने कितनी आँखें लगा रखी हैं उन्होंने जी, उसको तो उसकी तो नज़र एक पत्ते पत्ते पर है, एक जीभ जीभ पर है। बिल्कुल, उसकी जाने कितनी लाखों आँखें हैं, जितने इंसान हैं ना सबके ऊपर एक एक बैटरी लगा रखी है उसने, ट्यूबलाइट की, सब पे फोक्स है, एक 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 भी नहीं है ऐसा जिस पे फोक्स नहीं है जी। संसार में और सबके भय खाते रोज की रोज लिखते जाते हैं और उसको उसी हिसाब से मिलता रहता है जी। कर्म प्रधान का है, जैसे कहते हैं ना, करत पाप चाहत कल्याणा,
लोगों ने राम खिलौना जाना, खिलौने का बटन देख लिया ना, कोई रोक नहीं पाया ना, दुनिया ने समझ रखा था ये खिलौना है, हम तोड़ देंगे, फिर तोड़ देंगे, ये नहीं पता तुम्हारा बाप आ गया है अब तोड़ने के लिए, ऊपर जोड़ने के लिए राम राज आ गया है। हिंदू राष्ट्र को कोई नहीं रोक सकता संसार में। आपका मानना क्या है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? बन जाएगा जी, लगे हुए हैं हमारे गुरु महाराज। लेकिन मुस्लिम लोग तो विरोध कर रहे हैं उसका कि नहीं बनने देंगे। नहीं नहीं, कोई नहीं रोक सकता। अब रोक क्यों नहीं लिया राम मंदिर को? कह रहे थे तोड़ देंगे, क्यों नहीं तोड़ दिया? क्या बताइए आप जी, कोई पहुंचा वहां पर? 10 किलोमीटर दूरी पे से ही सजावट कर दी थी, आप देख के आए थे जी। 10 किलोमीटर दूर से ही सजावट फूली फूल बिल्कुल कर दी थी। नहीं बिल्कुल, कोई दिख रहा था वहां पर ऐसा विरोधी? नहीं, बोलने वाला उसकी उपकच भी नहीं मिलता बिल्कुल। वो जमाना गया, अब ये राम राज्य है, जय श्री राम का नारा है, हिंदुस्तान हमारा है। तो जैसा आपने देखा कितनी अच्छी बातें बताई महाराज ने, और महाराज जी और जो तंत्र है जैसा आप जिसमें महारत हासिल है आपको, क्या ये हकीकत है कि आदमी अपने शरीर से निकलकर इतनी यात्राएं कर सकता है और फिर वापस अपने शरीर में आ सकता है? जी, कर्म प्रधान है इंसान का, त्याग से वैराग्य आता है और वैराग्य से शक्ति आती है। जैसे कहते हैं त्याग वैराग्य और शक्तियाँ कब आती हैं? जब हमारा त्याग होता है। जैसे हमारो अपनों से मोह छोड़ दिया, उनको भूल गए, हम उनके लिए भजन कर रहे हैं, वो भी सही रहे, हमारा हिंदुस्तान भी सही रहे, हमारा पूरा घर हिंदुस्तान है। जैसा आप इतनी अच्छी परिवार से हैं, आपके परिवार में हर एक सुविधा उपलब्ध है जी, लेकिन फिर भी आप अपने घर परिवार में नहीं जाते हैं, इसका मतलब क्या है? ये बाबा की मर्जी है ना, पिछले जन्म का कोई राज है, क्या कर सकते, चाके भी वो नहीं चाह सकते, वो कर सकते जो उसने लिख रखा है, जो लिख रखा है वही तो होगा ना जी बिल्कुल। हम अगर कुछ सोचें तो वो कैसे हो जाएगा जी, मगर ये है कि हम ध्यान लगाएंगे, कुछ कर्म प्रधान से कुछ मांगेंगे, कुछ करेंगे सेवा किसी की, तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा जी, शक्तियाँ मिल जाएगी हमें, वो जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगी। अभी तक आपके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं? हमारे पास सबसे बड़ी भक्ति की शक्ति है जी। किसकी? भक्ति की शक्ति। हमने सब कुछ को छोड़ दिया है, सबसे दूर हो गए हैं, बस राम नाम के माला को, वही एक हमारा भाला है, वही एक भाला है। तो आप जनता को क्या अपना संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश मैं यही देना चाहता हूँ, जीव जगत की सेवा करो, जो ये भैरू हैं, पक्षी हैं, अपने गौ माता है, इसकी रक्षा करें, जीव जगत की रक्षा करें। अच्छा, जो लोगों के पैसे मार लेते प्रेम दिखाओ, जो लोगों के पैसे मार लेते हैं और पैसा लेने के बाद में वापस नहीं लौटाते हैं और वो सोचते हैं कि अब तो कौन मुझे देखने वाला है, तो नहीं, उनका पल पल का भय खाता लिखा जा रहा है। जब 100 गलतियां हो जाती है ना, तो शनिदेव आके सुला देता है उसको मिनट से पहले जी। जब तक 90 गिनती होती है ना गलतियां, तो वो इशारा कर देता है कि हाँ अब तेरा नंबर आ गया है बच्चे, समझ जा। फिर उसको दिन पे दिन चोट मारता है, कभी उसको ये कर देता, कभी वो तोड़ देता। तो जब तक 99 गलती होती है तब वो सांस चलती रहती है, 100 भी गलती आती है उसको सुला देता है। फिर कहाँ जाता है? यमराज जी का खाता हो तो वो यमराज जी तक, नहीं तो फिर आगे चला जाता है वो धर्मराज जी के पास। ऐसे सांप बिच्छू कोटरी हैं और बिल्कुल वस्त्र उतार लेते हैं शरीर पे से और उन कोठरी में छोड़ देते हैं, हाथ पैर बांध के पटक देते हैं, उसमें चूहे भी काटते हैं, ऐसे थैली घुसाई यहाँ पे और चूहे खा रहे हैं बॉडी को, कहीं सांप बिच्छू खा रहे हैं, कहीं गरम कढ़ाव में ऐसे डुबो के निकाला जाता है, क्या निकलता है? कुछ नहीं रहता है हाड़ के अलावा, आत्मा भी रोती है
आत्मा को भी रोना पड़ता है, ऐसा दंड है वहाँ पर। कहते हैं आत्माओं को दर्द नहीं होता, नहीं नहीं जो है चिल्लाती हैं, फड़फड़ाती हैं कि हमसे ये क्यों हुई गलती जी। हाँ, जब तक वो 100 गलती नहीं कर लेता जब तक उसको महसूस नहीं होता, 90 गलती के बाद उसको महसूस हो जाता है, 100 पे वो सो जाता है, उसको कोई बचा नहीं पाता संसार में। अच्छा, कर्म प्रधान है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंसान जैसी खेती करता है वैसा ही उसको भुगतान मिलता है। ये कर्म ही हमारा खेती है, हम अच्छे कर्म करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, किसी की आत्मा को नहीं ठेस पहुँचाएंगे तो हमें कोई रुला नहीं सकता। रुलाने चाहने वाला वो खुद रोएगा। दूसरों के लिए कोई खड्डा खोदता है तो वो स्वयं गिरता है महाराज जी, हम नहीं गिरेगा उसमें। जिसको कोई गिराना चाहे वो नहीं गिरेगा, मतलब कर्म प्रधान है संसार का। संसार का तो देखिए आपने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और ऐसी ज्ञानवर्धक चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, और जुड़े रहिए चैनल के साथ। तब तक जय श्री राम, प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री राम, राधे श्याम, राधे श्याम।